गाइस पिछली वीडियो पोस्ट करने के बाद मेरे पास बहुत सारी रिक्वायरमेंट आई थी कि निशांत सेम लोकेशन पे थोड़ा बड़ा फ्लोर दिखाओ और प्रॉपर कुछ गेटेड हो। तो गाइस सेम रिक्वायरमेंट के साथ मैं गेटेड आपके लिए 240 गज 3 बेडरूम 3 वॉशरूम का एक रीजनेबल बिल्डर फ्लोर लेके आया हूँ, जो कि बहुत ही सुंदर बिल्डर फ्लोर है। तो गाइस चलिए ब्रीफ में बात करते हैं बिल्डर फ्लोर के बारे में। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डिज़ायर होम। मेरा नाम है निशांत अग्रवाल और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल डिज़ायर होम। डिज़ायर होम के बारे में थोड़ा सा मैं बता देता हूँ आपको। डिज़ायर होम डील करते हैं रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स, कमर्शियल कॉम्प्लेक्स, बिल्डर फ्लोर एंड प्लॉट्स। तो गाइज कुछ भी प्रॉपर्टी रिगार्डिंग इंक्वायरी आपकी गुड़गांव में, अगर आप कुछ भी गुड़गांव में प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हो तो प्लीज़ आप मुझे नंबर पर कॉल शुरू करें, मैं और मेरी टीम आपकी रिक्वायरमेंट्स पूरी करने की जरूर कोशिश करेंगी। तो गाइस चलिए डिस्कस करते हैं आज के बिल्डर फ्लोर के बारे में। 240 गज 3 बेडरूम 3 वॉशरूम्स, मॉड्यूलर किचन, लिविंग डाइनिंग एरिया दोनों तरफ बैल्कनी के साथ, क्रॉस वेंटिलेशन के साथ मैं आज आपके लिए एक बहुत ही अच्छा सुंदर बिल्डर फ्लोर लेके आया हूँ गाइस। तो गाइस चलिए डिस्कस करते हैं हम लोग बिल्डर फ्लोर के बारे में। बात करेंगे हम लोग आउटर फसाड से, तो चलिए आउटर फसाड के बारे में हम लोग बात करते हैं, आइए प्लीज़। तो गाइस सबसे पहले हम लोग बात करेंगे आउटर फसाड की। आउटर फसाड आपको बहुत ही प्रीमियम अच्छा हम लोग बना के दे रहे हैं। ग्रिल की बात करें, सारी आपको ग्लास ग्रिल यहाँ पे दी गई हैं। गेट की अगर हम लोग बात करें, 3 मेन गेट आपको यहाँ पे हम लोग दे रहे हैं, तो ऐसे पार्किंग की कभी आपको प्रॉब्लम नहीं आने वाली। आप इसके ऊपर मार्बल का काम देखो कितना सुंदर हम लोग यहाँ पे आपको करके दे रहे हैं। तो ओवरऑल आउटर फसाड बहुत अच्छा हम लोग यहाँ पे आपको बना के देने वाले हैं। तो गाइस यहाँ से चलते हैं हम लोग फ्लोर के पार्किंग की तरफ, दिखाता हूँ आपको पार्किंग किस तरीके की हम लोग बना के दे रहे हैं आपको। तो गाइस पार्किंग एरिया में फ़िलहाल हम लोग हैं, अभी 2 पार्किंग पर फ्लोर यहाँ पे हम लोग आपको पार्किंग का स्पेस दे रहे हैं। पार्किंग की कंडीशन अभी देख रहे होंगे थोड़ा सा गंदा हो रखा है, फाइनल क्लीनिंग का काम अभी पेंडिंग है, जो 4 से 5 दिन का काम है, जो आई केवन जल्दी ही हम लोग कंप्लीट करा के दे देंगे। सर्वेंट क्वार्टर्स हम लोग आपको इधर बना के देने वाले हैं। बात करते हैं इसके अलावा लिफ्ट लॉबी, लिफ्ट का काम भी अभी पेंडिंग है, जो आपका लॉकडाउन खुलते ही हम लोग परनामी की 5 पैसेंजर लिफ्ट आपको यहाँ पे देने वाले हैं। तो गाइस ओवरऑल डिस्कस करते हैं हम लोग फ्लोर के बारे में। चलिए फ्लोर पे चलते हैं, दिखाता हूँ आपको कि किस तरीके हम लोग आपको फ्लोर दे रहे हैं, आइए प्लीज। गाइस फ्लोर की एंट्रेंस पे सबसे पहले हम लोग एक चीज़ नोटिस करते हैं हमेशा, दरवाज़ा। जैसे वीडियोस में मैं दिखाता हूँ कि दरवाज़ा किस तरीके के मैं आपके लिए लेकर आता हूँ, तो यहाँ भी दरवाज़ा बहुत अच्छा लेके आया हूँ। 50 mm का दरवाज़ा आपके लिए मैं यहाँ लेके आया हूँ, और उसके ऊपर आप काम देखो कितना सुंदर दरवाज़ा हम लोग यहाँ पे आपको बना के दे रहे हैं। 50 mm का हार्डवुड डोर गाइस हम लोग आपको दे रहे हैं यहाँ पे। साथ ही यहाँ पे लिफ्ट की बात करें, परनामी की लिफ्ट देने वाले हैं हम लोग, जो अभी तक लगी नहीं है, बट हम परनामी की 5 पैसेंजर लिफ्ट हम लोग यहाँ पे आपको देने वाले हैं। आइए फ्लोर आपको अंदर से दिखाता हूँ। एंटर करते ही आप सबसे पहले क्या देखते हो, एंटर करते ही सबसे पहले आप देखते हो एक बड़ा सा डाइनिंग हॉल, 17x16 का डाइनिंग हॉल हम यहाँ पे आपको दे रहे हैं गाइस। उसके अलावा हम लोग बात करते हैं फ्लोरिंग की, टाइल्स आपको कजारिया की टाइल्स, लग्जरी टाइल्स आपको यहाँ पे हम लोग गाइस लगा के दे रहे हैं। बात करते हैं सबसे मेन चीज़ यहाँ की, आपकी फॉल सीलिंग देखो गाइस, शैंडलियर्स देख रहे हो गाइस, बहुत अच्छे शैंडलियर्स है, बहुत अच्छा आपको व्यू यहाँ पे फॉल सीलिंग का आने वाला है। फॉल सीलिंग की क्वालिटी गाइस आप देखो, प्रीमियम लग्जरी कुछ भी मोस्ट एक्सपेंसिव हम लोग बात करेंगे अभी फॉल सीलिंग की, तो यहाँ पे फॉल सीलिंग आपको बहुत अच्छी लग्जरी बढ़िया यहाँ पे आपको दी गई है। इसके साथ ही फैंस हम लोग यहाँ पे लगा के दे रहे हैं आपको, फिटिंग्स आपको एसी की सारी हम लोग यहाँ पे करके दे रहे हैं। इसके अलावा एक चीज़ और है यहाँ पे, आपको डाइनिंग हॉल में एक बड़ा सा मंदिर यहाँ पे हम लोग आपको बना के दे रहे हैं गाइस। मंदिर की का साइज़ और मंदिर की क्वालिटी आप देखो, कितना बड़ा मंदिर हम लोग यहाँ पे आपको देने वाले हैं। उसके अलावा मंदिर में हम लोग बात करें सेम यहाँ पे टाइल्स का, उसके बाद मंदिर की स्टोरेज भी आपको यहाँ पे हम लोग लगा के दे रहे हैं। तो ओवरऑल बहुत बड़ा साइज़ है डाइनिंग हॉल का। इसके अलावा डाइनिंग हॉल से थोड़ा सा लेआउट में ब्रीफ कर देता हूँ आपको। हम लोग एक रूम हम लोग आपको गेस्ट बेडरूम इधर दे रहे हैं, साथ में आपकी मॉड्यूलर किचन, एक बड़ा सा ड्राइंग हॉल हम यहाँ पे आपको दे रहे हैं, साथ में इसके मंदिर,
देन हम बात करते हैं दो बेडरूम हम आपको इस तरफ दे रहे हैं। इसके अलावा सारे रूम्स में आपको वॉलपेपर का काम करके दे रहे हैं। सेम डाइनिंग हॉल की भी बात करूँ तो गाइज ये इंटीरियर आप देख रहे होंगे कितना सुंदर काम वॉलपेपर के साथ, ये ग्लास वर्क कितना अच्छा हम लोग यहाँ पे आपको करके दे रहे हैं। तो गाइज यहाँ से चलो चलते हैं, अभी मैं आपको ड्राइंग हॉल दिखाता हूँ कितना सुंदर ड्राइंग हॉल सेम फॉल सीलिंग के साथ हमें आपको दे रहे हैं। आइए प्लीज़ ड्राइंग रूम में अभी हम लोग हैं फिलहाल। साइज़ की अगर मैं बात करूँ ऑलमोस्ट 15x12 का ड्राइंग रूम हम यहाँ पे आप दे रहे हैं आपको। अगर मैं फ्लोरिंग की बात करूँ तो सेम टाइल्स यहाँ पे हम लोग आपको लगा के दे रहे हैं, एक्सपेंसिव टाइल्स लग्जरी टाइल्स हम लोग यहाँ पे आपको लगा के देने वाले हैं। सेम डाइनिंग एंड ड्राइंग हॉल की टाइल्स आपकी सेम रहने वाली हैं। इसके अलावा बात करते हैं हम लोग वॉल का काम, आप गाइस देख रहे होंगे बहुत ही अच्छा वॉल का काम यहाँ पे आपको MDF का काम हम लोग यहाँ पे आपको करके दे रहे हैं। लैंप्स की क्वालिटी आप देख सकते हो, लैंप्स यहाँ पे लगा के दे रहे हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट आपके शैंडलियर बहुत सुंदर लगा के हम लोग यहाँ पे दे रहे हैं आपको। और उसके बाद बात करते हैं फॉल सीलिंग की। गाइस फॉल सीलिंग बहुत अच्छी है इस घर में, बहुत अच्छी फॉल सीलिंग मैं आपको यहाँ पे करके दे रहा हूँ। इसके अलावा बात करते हैं ड्राइंग रूम में एक और चीज़, हम लोग यहाँ पे आपको कॉर्नर वुडन कॉर्नर यहाँ पे आपको बना के दे रहे हैं। तो गाइज़ इंटीरियर इस फ्लोर का बहुत अच्छा होने वाला है गाइज़। तो गाइज़ यहाँ से हम लोग मूव करेंगे तीनों बेडरूम में आपको वन बाय वन बेडरूम दिखाता हूँ, फिर डिस्कस करते हैं आगे किचन वॉशरूम सारी चीज़ें मैं आपको दिखाता हूँ। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं फर्स्ट बेडरूम से, आइए गेस्ट बेडरूम में चलते हैं। गेस्ट बेडरूम में हम लोग हैं अभी फिलहाल। अगर मैं साइज़ की बात करूँ 13.5x11 स्क्वेयर फीट का आपका रूम साइज़ है, जो कि बहुत बड़ा साइज़ है, जेन्युइन साइज़ है। बात करते हैं फ्लोरिंग की तो लग्जरी कजारे की टाइल्स हम लोग यहाँ पे आपको लगा के देने वाले हैं। इसके अलावा बात करते हैं वार्डरोब की फिनिशिंग देखो, वाइट वार्डरोब हम लोग यहाँ पे आपको दे रहे हैं। स्टोरेज बहुत अच्छी स्टोरेज है गाइज आपके पास यहाँ पे। बात करते हैं फॉल सीलिंग गाइज मैं दिखाई रहा हूँ आपको कि यहाँ की फॉल सीलिंग बहुत प्रीमियम हम लोग यहाँ पे करके देने वाले हैं। बात करते हैं आपकी वॉलपेपर का काम कितना सुंदर, फ्रंट वॉल पे वॉलपेपर का काम आपका जो किया गया है बहुत ही सुंदर काम यहाँ पे आपका किया गया है। लैंप्स हम लोग यहाँ पे आपको लगा के देने वाले हैं। इसके अलावा आपका वॉशरूम अटैच्ड है गेस्ट बेडरूम से। इसके अलावा सेम वॉशरूम आपका कॉमन वॉशरूम भी है जिसका दरवाज़ा आपको ड्राइंग हॉल में दिया गया है। आइए मैं वॉशरूम क्वालिटी आपको दिखाता हूँ गाइस। तो गाइस वॉशरूम की क्वालिटी अगर मैं बात करूँ तो टाइल्स का काम देखिए कितनी अच्छी प्रीमियम टाइल्स हम लोग यहाँ पे आपको लगा के देने वाले हैं। फिटिंग्स की बात करूँ सारी जगुआर की फिटिंग्स आपकी हम लोग यहाँ पे लगा के दे रहे हैं, जितने भी आपकी कमोड वॉश हैं सब हम लोग आपको यहाँ पे जगुआर का लगा के देने वाले हैं। इसके अलावा शावर्स एंड ऑल गाइस बहुत ही प्रीमियम वॉशरूम यहाँ पे हम लोग आपको देने वाले हैं। तो गाइस यहाँ से चलते हैं हम लोग अभी सेकंड बेडरूम की तरफ। सेकंड बेडरूम में क्या डिफरेंट है मैं आपको वो दिखाता हूँ। चलिए सेकंड बेडरूम में हम लोग फिलहाल हैं अभी। थोड़ा सा क्या चेंज है, वॉलपेपर का कलर यहाँ पे चेंज किया गया है, बाकी फॉल सीलिंग भी थोड़ा डिफरेंट की गई है इस रूम में। इसके अलावा सेम आपका मैं एक चीज़ थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ, यहाँ पे जो डोर्स दिए गए हैं आपको UPVC डोर्स दिए गए हैं। इसके अलावा मैच डोर्स भी हम लोग यहाँ पे वेंटिलेशन के लगा के देने वाले हैं। सेम वार्डरोब का काम यहाँ पे एज इट इज़ जैसा आपके गेस्ट बेडरूम में देख रहे थे, सेम वार्डरोब सेम साइज़ की वार्डरोब सेम इलेमिनेट से हम लोग वार्डरोब आपको यहाँ पे बना के देने वाले हैं। वॉशरूम थोड़ा बड़ा है, वॉशरूम का साइज़ मैं आपको दिखाता हूँ, वॉशरूम की क्वालिटी मैं दिखाता हूँ। आइए वॉशरूम की क्वालिटी आप देख सकते हो, सेम जैसे मैं बोल रहा था टाइल्स आपकी टॉयल्स की क्वालिटी बहुत अच्छी दी गई है। फिटिंग जितनी भी है सारी हम लोग यहाँ पे आपको जगुआर की लगा के देने वाले हैं। और गाइस ओवरऑल बहुत बड़ा वॉशरूम है, नॉर्मली आप साइज़ की बात करें तो छोटे वॉशरूम्स होते हैं लेकिन ये बहुत बड़ा वॉशरूम गाइस है। तो गाइस यहाँ से चलते हैं हम लोग थर्ड बेडरूम की तरफ। मास्टर बेडरूम है, साइज़ उसका भी ऑलमोस्ट सेम है। चलिए मैं आपको मास्टर बेडरूम पहले दिखाता हूँ। आइए गाइस मास्टर बेडरूम में फिलहाल हैं अभी। साइज़ की सबसे पहले बात करूँ, मैंने लास्ट बताया था आपको 13.5x11 का साइज़ है। सेम तीनों बेडरूम का साइज़ हम लोग आपको सेम दे रहे हैं, जो कि बहुत ही अच्छा साइज़ होता है 13.5x11 का। तो सबसे पहले गाइस हम लोग बात करेंगे फ्लोरिंग की। फ्लोरिंग यहाँ पे आपको यूनिक दी गई है, वुडन नहीं है, टाइल्स यहाँ पे लगा के दे रहे हैं। अगर मैं लाइफ की बात करूँ तो वुडन से ज़्यादा लाइफ होती है टाइल्स की, जो कि वॉशेबल टाइल्स हैं। उसके बाद बात करता हूँ मैं आपको फ्रंट वॉल की। फ्रंट वॉल पे जो वॉलपेपर दिया है वॉलपेपर का काम किया हुआ है, बहुत ही सुंदर काम किया हुआ है। लैंप्स हम लोग यहाँ पे लगा के देने वाले हैं। सेम सभी रूम्स में लिविंग डाइनिंग में एसी फिटिंग्स हम लोग यहाँ पे करके देने वाले हैं। इसके बाद बात करते हैं हम लोग वार्डरोब की। तो वार्डरोब गाइज सेम है जैसे तीनों बेडरूम में आपकी वार्डरोब थी, सेम यहाँ पे भी आपकी वार्डरोब सेम होने वाली है। वाइट कलर की आपको वार्डरोब हम लोग यहाँ पे रेडी करके दे रहे हैं। इसके अलावा गाइज बात करते हैं फैन हम लोग इसमें लगा के दे रहे हैं। फॉल सीलिंग गाइज तीनों रूम में डिफरेंट है, इस रूम में भी बहुत डिफरेंट दिया है अकॉर्डिंग टू मास्टर बेडरूम। यहाँ पे फॉल सीलिंग डिज़ाइन की हुई है। सेम अगर मैं बात करूँ डोर्स की, UPVC डोर्स आपको यहाँ पे दिए गए हैं, सेम मैच डोर के साथ आपको यहाँ पे दिए गए हैं। बैल्कनी के साथ बैक साइड बैल्कनी के साथ मास्टर बेडरूम आपका अटैच है। तीनों बेडरूम ड्राइंग रूम आपका सभी में बैल्कनी के साथ जो आपके अटैच है। इसके अलावा बात करता हूँ यहाँ पे मैं
एक चीज़ आपको मैं बता देता हूँ, जो भी बिजली फिटिंग स्विचेस दिए गए हैं सारे आपको पॉली कैप के वायरिंग के साथ और पॉली कैप के स्विचेस यहाँ पे हम लोग आपको करके दे रहे हैं। मास्टर बेडरूम में भी आपका वॉशरूम अटैच है, बहुत बड़ा वॉशरूम है। आइए मैं आपको वॉशरूम दिखाता हूँ। तो गाइस मास्टर बेडरूम का वॉशरूम है जो कि बहुत ही बड़ा वॉशरूम है। टाइल्स की क्वालिटी की बात करें बहुत ही अच्छी टाइल्स यहाँ पे लगा के दे रहे हैं। वॉशरूम फिटिंग्स की बात करें सारी आपको जगुआर के लगा के दे रहे हैं। सेम आप शावर्स देख सकते हो, टैब्स देख सकते हो गाइस, बहुत ही लग्जरी। सबसे बड़ी बात है ब्रांड जगुआर का सारा काम हम लोग यहाँ पे आपको करके दे रहे हैं। तो गाइस यहाँ से चलते हैं हम लोग किचन की तरफ। किचन का तो हमेशा आपको वेट रहता ही है, तो चौथे नंबर में हमेशा वीडियो की तरफ रूम खत्म करने के बाद ही मैं आपको किचन दिखाता हूँ। तो गाइस चलिए मैं आपको मॉड्यूलर किचन दिखाता हूँ कि कितनी बड़ी किचन हम लोग यहाँ पे आपको बना के दे रहे हैं। तो गाइस चलिए किचन की तरफ चलते हैं। किचन देख रहे हो आप, बहुत ही बड़ी किचन यहाँ पे हम लोग आपको बना के दे रहे हैं। जितने भी शटर्स की बात करें हाई ग्लो शटर्स हम लोग यहाँ पे दे रहे हैं। टैंडम्स की बात करें आपको टैंडम सॉफ्ट फ्लोर टैंडम्स हम लोग यहाँ पे आपको लगा के देने वाले हैं। इसके अलावा चिमनी प्लस होब आपको एलिका की ऑटोमेटिक चिमनी हम लोग दे रहे हैं, होब आपको ऑटोमेटिक हम लोग यहाँ पे लगा के दे रहे हैं। बात करते हैं पेंट्री की, तो गाइस पेंट्री आप देख सकते हो कि कितनी अच्छी स्टोरेज में आपको यहाँ पे देने वाला हूँ गाइस। तो ओवरऑल शटर्स की क्वालिटी की बात करो, हार्डवेयर की बात करें तो सारे सॉफ्ट क्लोज हिंजेस हम लोग यहाँ पे आपको लगा के दे रहे हैं। टैब्स सेम हम लोग आ जाते हैं, जगुआर की टैब्स हम लोग यहाँ पे आपको लगा के देने वाले। टाइल्स का काम बहुत अच्छा किया हुआ है। मार्बल की बात करें ब्लैक कलर का मार्बल हम लोग यहाँ पे आपको फ्रंट टॉप करके दे रहे हैं गाइस। तो गाइस ओवरऑल किचन अकॉर्डिंग टू 240 स्क्वायर यार्ड्स बहुत ही बड़ी किचन है गाइस। तो गाइस किचन आपको कैसी लगी, हमेशा की तरह किचन मुझे जरूर बताना है किचन कैसी लगी। मुझे तो बहुत अच्छी लगी किचन यहाँ की, तो गाइस मुझे कमेंट में जरूर बताना है किचन कैसी लगी गाइस। तो गाइस यहाँ से हम लोग बात करते हैं, टॉप फ्लोर अवेलेबल है। मैं हमेशा मैक्सिमम ट्राई करता हूँ कि आपके लिए टॉप फ्लोर वाली ही प्रॉपर्टीज ही लेके आऊँ, तो सेम है आप इस प्रॉपर्टी में भी टॉप फ्लोर अवेलेबल है। चलिए मैं आपको टेरेस का साइज दिखाता हूँ, सराउंडिंग दिखाता हूँ, उसके बाद हम लोग फर्दर बात करते हैं गाइस। चलिए टेरेस तो आपने देख ही ली होगी, तो ओवरऑल मैं एक बार फ्लैट रिव्यू कर देता हूँ आपके सामने। 240 गज, 3 बेडरूम, 3 वॉशरूम, लिविंग रूम, डाइनिंग रूम, तीनों रूम में वार्डरोब, मॉड्यूलर किचन, फॉल सीलिंग, एसी फिटिंग्स। बिजली फिटिंग्स की बात करूँ पॉली कैप्स की बिजली फिटिंग्स हम लोग यहाँ पे आपको लगा के देने वाले हैं। फ्लोरिंग की बात करूँ बहुत ही प्रीमियम फ्लोरिंग हम लोग आपको करके दे रहे हैं। तीनों बेडरूम में डाइनिंग हॉल में हम लोग आपको वॉलपेपर का काम करके दे रहे हैं। ड्राइंग रूम में हम लोग MDF की आपने वॉल देखी थी कितना सुंदर हम लोग यहाँ पे आपको काम करके दे रहे हैं। तो ओवरऑल गाइज इंटीरियर वाइज बहुत ही सुंदर फ्लैट है, रूम साइजेस बहुत ही अच्छे हैं, लेआउट बहुत अच्छा है गाइज। तो गाइज ओवरऑल फ्लैट रिव्यूज़ मुझे तो बहुत पसंद है फ्लैट, मुझे तो पर्सनली बहुत पसंद है फ्लैट, आपको कैसा लगा मुझे जरूर बताना। और तो गाइज अब मैं बात करता हूँ इन्वेंट्री की, तो इसके अंदर 2 फ्लोर अवेलेबल हैं, सेकेंड फ्लोर और टॉप फ्लोर भी टेरेस वाइज। गाइज अगर मैं बात करता हूँ प्राइसिंग की, 1.45 सेकेंड फ्लोर की आस्किंग है, 1.50 टॉप फ्लोर विथ टेरेस वाइज गाइज। तो गाइज प्राइजेस कंपेरेटिवली बहुत अच्छी है क्योंकि गेटेड कम्युनिटी है, लोकेशन बहुत अच्छी है गाइज। तो ओवरऑल जरूर विजिट करना, जैसे ही पेंडेमिक ओवर होता है लॉकडाउन खुलता है तो विजिट जरूर करना फ्लैट, क्योंकि 2 ही इन्वेंट्री बची हुई है फ्लैट में। तो गाइज इसके अलावा सेम मैं रिपीट करूँगा, अगर आप ये फ्लोर मेरे से खरीद रहे हो तो 7 डेज हॉलीडे पैकेज पनंबी रिजॉर्ट ऋषिकेश में आपको देने वाला हूँ। इस रिजॉर्ट की डिटेल्स मैं आपको नीचे डाल रहा हूँ, आप देख सकते हो। तो गाइज तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बहुत ही जल्दी एक नया फ्लोर आपके लिए मैं लेके आऊँगा। तो गाइज ओवरऑल क्या रिक्वायरमेंट है, मैसेजेस बहुत आते हैं मेरे पास, आप मुझे बताइए कि आपकी क्या रिक्वायरमेंट है, तो आपकी ट्राई करूँगा कि सारी रिक्वायरमेंट्स आपकी मैं पूरी करूँ। तो गाइज चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, धन्यवाद, जय हिंद, सत श्री अकाल, आदाब।